हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप weebly.com weebly ब्लॉग के ऊपर आप उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हो। weebly ब्लॉग की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं weebly वेबसाइट के जाऊंगा, weebly.com की वेबसाइट पे जाऊंगा। वहां पे जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किया है उसकी सेटिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास ये ब्लॉग है, इसको मैं एडिट में जाता हूँ, एडमिन सेक्शन में जाता हूँ। इस ब्लॉग के एडमिन सेक्शन में जाऊंगा। एडमिन सेक्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसकी सेटिंग कैसे की जाए, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, ब्लॉग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा ब्लॉग सेटिंग के। यहाँ पे लिखा होगा कि पर पेज पोस्ट आप कितनी चाहते हो, 10 चाहते हो तो ज़्यादा चाहते हो, यहाँ पे जितनी चाहते हो पर पेज, एक पेज के ऊपर कितनी आए। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे हाँ weebly.com क्या जो मैं पेज है मैं ओपन करता हूँ होम पेज। यहाँ पे आप एक पेज पोस्ट, दो पोस्ट, अभी इसके ऊपर दो पोस्ट हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यह सेटिंग की जाती है कि 10 पोस्ट तक एक होम पेज के ऊपर आ सकती हैं ब्लॉग के, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट 10 हैं, 10 ही रहने देता हूँ। पोस्ट शेयर बटन, अगर शेयर बटन करना चाहते हो यहाँ पे तो पोस्ट शेयर बटन जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, ट्वीट एट्सेट्रा ये मौजूद है, अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज़ ऑफ कर सकते हो। मैं रहने देता हूँ ताकि कोई जब यूज़र आए तो वो आके शेयर करे। यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, अनचेक करूँगा तो ये जो बटन है लाइक, जो शेयरिंग बटन है लाइक और ट्विटर का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसे रहने देता हूँ, डन रहने देता हूँ। और उसके बाद है ब्लॉग साइड बार, ब्लॉग साइड बार चाहते हो कि नहीं चाहते, ये जो ब्लॉग का साइड बार है ये आप देख सकते हो, राइट साइड बार है, ऑथर और आर्काइव और कैटेगरीज जो भी हैं वो यहाँ पे आपको शो करवाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे पोस्ट हेडर कोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट हेडर कोड दे सकते हैं। जैसे कि आप गूगल वेब मास्टर वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि इसके ऊपर इसके ऊपर आप लेके आएंगे एड कस्टम HTML हेयर टू डिस्प्ले द टॉप ऑफ योर पोस्ट, पोस्ट के हेडर कोड पोस्ट के टॉप पे आपको यहाँ पे शो करवाएगा, ये सवाल निशान के ऊपर आप लेके जाएंगे जब। उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे एड कस्टम HTML हेयर टू डिस्प्ले एट द बटम ऑफ योर पोस्ट, आपके पोस्ट के नीचे जो आप शो करेगा ये वाला प्लस का निशान है, जितने आप करते जाएंगे इसके प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा आता है नीचे आएंगे तो आपको आएगा कमेंट सिस्टम बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर आप फेसबुक का कमेंट सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप डिपेंड करता है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो वो भी ठीक है, डिस्कस करेंगे तो डिस्कस का भी आ जाएगा। आगे आता है कमेंट विजिबिलिटी, शो करेंगे कमेंट शो हो तो मैं कहता हूँ यस शो हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट शो ही रहने देता हूँ। अगर कमेंट शो नहीं करना चाहता तो फिर हाइड कर दूँगा। उसके बाद डिस्कस शॉर्ट नेम, यहाँ पे आपने डिस्कस का शॉर्ट नेम देना है जो उसका है, तो फिर वो यानी यूज़र नेम देना जो आईडी आपने डिस्कस की बनाई है, तो फिर वो डिस्कस का जो है वो शो जो कमेंट सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रह देता हूँ। अगर फेसबुक का करूँगा तो फिर फेसबुक की यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी, URL देना पड़ेगा उसका, तो फेसबुक का कमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है ऑटो क्लोज कमेंट, नेवर ऑटो क्लोज कमेंट ना हो तो इसको नेवर पर रहने देता हूँ। अगर आप चाहते हो आफ्टर 30 डे क्लोज़ हो जाए कमेंट सिस्टम तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो, फिर 30 डे के बाद उस पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं होंगे। उसके बाद आता है कैप्चा स्पैम प्रोटेक्शन, ये आप रहने दे तो बेहतर है, क्योंकि स्पैम जो होती है स्पैम स्मार्ट कैप्चा एट्सेट्रा जो भी होता है, जो आप देते हो कीवर्ड देते हो, जैसे कि आपको नजर आ किसी कमेंट देते हुए या आईडी बनाते हुए आपको से पूछा जाता है कैप्चा दे, तो वो आप देते हो उल्टे सीधे वर्ड होते हैं वो देने होते हैं। उसके लिए जब कोई आपको कमेंट करेगा स्पैम, ये कैप्चा जो होता है स्पैम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हो तो इसको रखें, अदरवाइज कोई और लगाना चाहते हो नेवर शो कैप्चा तो फिर नेवर शो होगा, ठीक है, ये आप रहने दो, ये प्रोटेक्शन के लिए ठीक होता है आपकी ब्लॉग के। उसके बाद है स्पैम मॉडरेशन, इसी तरह ये भी रहने दें स्पैम मॉडरेशन को भी। उसके बाद आता है नोटिफाई मी ऑफ न्यू कमेंट, अगर न्यू कमेंट हो तो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे मौजूद है तो यस करेंगे तो जब भी कोई कमेंट करेगा आपको ईमेल के जरिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने सेव कर देना।
तो ये था दोस्तों ब्लॉग की सेटिंग। आप इस ब्लॉग की जो आप bibly.com के ऊपर आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसकी सेटिंग के बारे में बात कर रहा था। तो आप बिल्ड पे आएंगे और यहाँ पे आके ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे नीचे बटन पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा ब्लॉग सेटिंग, यहाँ पे आप ब्लॉग सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिकिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये ब्लॉग सेटिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं।